ट्रांसपोर्ट के संचालक देवेंद्र आखरे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले समाज सेवक आखरे का जन्मदिन इसलिए चर्चा में आया क्योंकि उनके सैकड़ों स्टाफ ने अनोखे तरह से उनका जन्मदिन मनाया। कांद्री कन्हान के समाज सेवक व रुद्रा ट्रांसपोर्ट के संचालक का जन्मदिन उनके ही स्टाफ और सहकर्मियों द्वारा जन्मदिन मनाकर बंटी आखरे को अनोखा तोहफा दिया। इस अवसर पर कामठी स्थित अनाथालय में रहने वाले प्रत्येक बच्चों के लिए दर्जी द्वारा माप लेकर उन्हें कपड़े प्रदान किए गए, जिससे वहां के सभी बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहन सकेंगे। साथ ही बच्चों को अनेक प्रकार के खिलौने व साहित्य भी दिया गया। इसके अलावा मंसर रामटेक में वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोगों हेतु उनके जरूरत के सामानों को पूरा किया गया। बंटी आखरे का उनके सहकर्मियों व साथियों द्वारा इस तरह से जन्मदिन मनाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपने सहकर्मियों का धन्यवाद दिया। पहले तो मैं सभी अपने कर्मचारियों का पूरे मन से श्रद्धा से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरा जन्मदिन इस तरह से संपन्न किया। एक जन्मदिन के माध्यम से जो उन्होंने एक सेवा भाव रखा, एक बहुत सराहनीय है मेरे लिए कि मेरा स्टाफ यहाँ तक सोच सकता है कि नहीं, हमने कोई अच्छा करना चाहिए। भैया के जन्मदिन पे मैं तो कल्पना के बाहर है मेरे कि मैं सोच भी सकता था कि ये सब चीज़ें इन लोग के दिमाग में कैसे आई और कैसा इन्होंने इसको डेवलप किया। आज मेरे जन्मदिन के दिन सुबह इन्होंने एक अपने संस्कृति को याद में रखते हुए ना कि केक काटा, बल्कि केक स्पेशल अपना मिल्क केक बना के लाया और कामठी अनाथ आश्रम में सभी बच्चों को बाकायदा कपड़े उनके हिसाब से उनके सिल के उनके हिसाब से बना के तैयारी थी। बच्चों को खेल का सामान, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैट बॉल का सामान सब, और मंसर वृद्धाश्रम में भी उन्होंने कुछ वस्तुएं भेजनी है, अभी भेज रहे हो शायद। तो इस तरीके से एक सोच निर्माण जो है उन लोग की, वो मेरे लिए बहुत मतलब कल्पना से बाहर है। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं मेरे स्टाफ के लिए और मेरे पूरे साथी भाइयों के लिए, मेरे साथ इस रुद्रा ट्रांसपोर्ट में जो भी कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं, इनके लिए सदैव और हर समय इनके साथ और इनके साथ कंधा मिला के चलूँगा और इनके साथ इनके लिए पीछे एक बड़े भाई की तरह खड़ा रहूँगा। और मेरी आशा है, भगवान से प्रार्थना है कि इन सभी को भगवान अच्छी सद्बुद्धि दे। कन्हान से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।